बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शॉमी वालों के कुछ मोबाइल आपको दिखा दूंगा जिनमें शॉमी देख रहे हैं 11 टी सीरीज है जी, जिनमें ठीक है 11 लाइट है जी, इसके अलावा 11 टी प्रो और इसके आगे पड़ा हुआ ही 11 टी। तो तीनों के जो प्राइस हैं वो भी आपको बता देता हूँ और मोबाइलों के मुतल्लिक भी बात कर लेंगे। और जो यहाँ पर पिक्चर इन लोगों ने लगाई हुई है काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रही है यार। बहरहाल चलो आगे चलते हैं जी, इसको उठाते हैं शॉमी वालों का जो कि 11 लाइट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बैक साइड बैक ब्लैक कलर में शायद इतनी अच्छी लुक ना उठे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये देख लें जी माशाल्लाह। ठीक है, तो इसके अगर कैमरे के मतलब बात करें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा और काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट है यार, 5G के साथ है फिर। और नीचे से देख लें स्पीकर ग्रिलिंग चार्जिंग की जगह, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ स्लिम है मोबाइल और अच्छी लुक है यार का, मोबाइल की लुक अच्छी है मुझे लग रहा है। बहरहाल आगे देखते हैं इसमें। अगर डिस्प्ले के मुतल बात करें तो 6.5 इंच या इससे थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है जी इसका मेरे हिसाब से। तो अगर सेल्फ़ी कैमरे की बात करें तो आपको 20 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फ़ी कैमरा मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो आपको 4250 mAh की इसमें बैटरी मिल जाएगी। 8 GB रैम है जी और स्टोरेज की बात करें तो 256 GB है जी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, 256 GB वाला ये आईफोन बोल रहा हूँ यार, शॉमी 11 लाइट। तो टी सीरीज में ही है जी ये, लाइट है तो इसलिए मैं इसको बोल रहा था इधर रख देती हैं अभी इसको देख लें माशाल्लाह। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं जी। ये 11 लाइट 11 टी प्रो है जी, इसके मतलब बाद में बात करते हैं, पहले आपको ये दिखा दूं मैं 11 टी। ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं और इसके मतलब बात कर लेते हैं। तो ये मैडम साहब ने शायद यही पकड़ा हुआ है, देख लें आप। ठीक है, बहरहाल इसके मतलब मुझे ये वज़न में थोड़ा उससे ज़ायद लगा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इतना वज़न तो मेरे हिसाब से मोबाइल का होना चाहिए, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो बहरहाल इसकी लुक देख लें मोबाइल की, मैं आपको मोबाइल की लुक दिखा रहा हूँ अभी, आप भाइयों के साथ इसके प्राइस भी शेयर कर देता हूँ। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले के मुतल्लक सबसे पहले तो आपको 60 या 60 यानी कि 6.5 इंच या 6.5 इंच का बोल रहे हैं, इस अराउंड में आपको डिस्प्ले इसका मिलने वाला है, जो कि एक मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा डिस्प्ले माना जाएगा। कर्व नहीं है ये, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सॉरी कर्व डिस्प्ले नहीं है इसका। और अगर बात करें जी इसके स्टोरेज के मुतल्लक तो ये देख लें शॉमी 5G लिखा हुआ नीचे, तो भाई ये 256 GB स्टोरेज में ये भी है। तो कैमरों का डिज़ाइन देख लें इसका, काफ़ी आउट क्लास है, काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा है। तो कैमरा इसमें मेन कितना है भाई ये देख लेते हैं, 108 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा यूज़ किया गया है, प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल। ठीक है जी, और अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा इसमें। नंबर वाइज के हिसाब से गेम नहीं होती है कैमरों की, मैं आपको फिर बता दूं भाई, कैमरे में जान होनी चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ 108 मेगापिक्सल का कैमरा एक मायना रखता है, लेकिन फिर भी कैमरे में कुछ हो तो। अगर डिस्प्ले का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, 8 GB रैम इसमें यूज़ की गई है ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर। 2 स्पीकर ग्रिलिंग है इसमें, हैं मैंने अभी देखी है यार, काफ़ी अच्छी है, अच्छी चीज़ है, यानी कि लाउड स्पीकर होगा फिर तो इसका। अगर इसका स्टोरेज की बात करें तो आपको 256 GB 8 GB रैम के साथ मिलेगा और 5G है जी शॉमी 11T। और डिस्प्ले का मतलब आपको मैंने बता दिया है, इसका डिस्प्ले कितना है अल्ट्रा यानी कि मीडिया टच अल्ट्रा है जी। तो देखने फिर इसकी लुक ऑसम है, अभी देख लेते हैं जी ये। ठीक है, इसको उन लोगों ने व्लॉगिंग कैमरे के लिहाज से ही रखा है, यानी कि आप व्लॉगिंग कर सकते हैं इससे। तो देख लें माशाल्लाह इसका ट्रेलर वगैरह चल रहा है, ये ख़त्म हो गया, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सेम वही चीज़ है जी 11T, ये लेकिन ये 11T प्रो है, ये वज़न से उससे हल्का सा ज़ायद है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, हकीकत बात है। क्योंकि पिछले वाली साइड पर ये देख लें आपको, ये आपको फील हो रहा होगा ये सिल्वर का जो लगा हुआ है, जिससे इन लोगों ने इसको यानी कि चार्जर साथ में लगा कर अटैच करके यहाँ पर रखा हुआ है, इस लिहाज से भी मुझे ज़्यादा फील होता है हल्का सा, लेकिन इतना वज़न इसका है नहीं फिर भी। तो बैक साइड से इसकी अगर लुक की बात करें देख लें माशाल्लाह औसम है यार, कैमरों का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा है, बिल्कुल ऐसा ही, तो अमेजिंग है यार।
इसमें भी 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिल जाएगा, वही 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो आपको इसमें भाई 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। फ्लैश लाइट वगैरह भी आपको यहाँ पर साथ में मिलेगी, नीचे Xiaomi 5G लिखा हुआ है, मेड इन चाइना है जी, ये देख लें ठीक है। नीचे से स्पीकर ग्रिलिंग, चार्जिंग की जगह और सिम लगाने की जगह आपको नीचे वाले साइड पर मिल जाएगी। साइडों पर मैं घुमाकर देख रहा हूँ आपको, फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर साइड पर ही मिल जाएगा भाई, सॉरी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है यार, ये बटन यूज़ किया गया है ऑन ऑफ, देख लें आप ये देख लें। तो वॉल्यूम अप डाउन ऊपर वाली साइड पर इसके भी स्पीकर ग्रिलिंग रखी गई है, देख लें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, शायद मैं आपको दिखा सकूँ अच्छे से, पढ़कर सीधा कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है ऊपर वाली साइड पर, ये पढ़ लेते हैं। साउंड लिखा हुआ है जी, साउंड लिखा हुआ है हरमन कार्डोन, वो ब्रांड है, कंपनी है उनकी, उनकी तरफ से तो उनका नाम साथ में मेंशन किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इनकी मैंने वैरायटी देखी है मार्केट में। अच्छा साइडों पर देख लें आपको ये इसकी लुक मिल जाएगी सिल्वर टाइप की, तो बैक साइड से इसका कलर देख लें काफ़ी, यानी कि कोई भी कलर, यानी कि कर्व इसका डिस्प्ले नहीं है, लेकिन बैक साइड से इसको कर्व बनाया गया है और इसका डिस्प्ले काफ़ी कलर दे रहा है बैक साइड से। बहरहाल अगर बैक लुक से इसकी मैंने आपको दिखा दी है, अभी अगर डिस्प्ले के मुतालिक बात करें तो आपको 60 या 60 71, यानी कि इसका और इसका डिस्प्ले एक आपको मिलेगा जी, 11T और 11T प्रो का एक जैसा ही डिस्प्ले मिलेगा। कैमरा चेक कर लेते हैं जी, यहाँ पर देख लें जी, ठीक है ये देख लें कैमरा भी इसका आउट क्लास है, 108 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है। हॉनर 50 जो है और हवावे नोवा 8R and 8 9 और ये भाई 11T सीरीज, इनमें 108 मेगापिक्सल के कैमरे आपको मुतारफ़ करवाए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से भाई, ज़ाहरी सी बात है मार्केट में भाई अगर मोबाइल सेल करना है तो फिर उस हिसाब से मार्केट में मोबाइल में आपको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा जिससे आपका भाई मोबाइल सेल हो। तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, कैमरे का रिजल्ट आउट क्लास है, डिस्प्ले के मतलब मैंने आपको बता दिया है। अभी इनके प्राइस के मतलब बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर बात करें 11 लाइट के प्राइस के मतलब तो 1500 रियाल में है जी, 1649 रियाल से ठीक है। इससे आगे इसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है 11T सिंपल 5G के साथ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, 256GB 8GB रैम के साथ है, 1800 रियाल में 2000 रियाल से डिस्काउंट के ऊपर ठीक है। इसके साथ यहाँ पर है जी फिर वही जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया है, Xiaomi वालों का लेटेस्ट मॉडल है जी, इसके बाद कोई मॉडल अभी तक नहीं आया Xiaomi वालों का। एक चीज़ मुझे इसमें कर्व डिस्प्ले होना चाहिए था, हकीकत बात है उन दोनों में ना होता, लेकिन इसमें कर्व डिस्प्ले होता इसकी शाइनिंग और बढ़ जानी थी। बहरहाल इसके प्राइस हैं जी 2200 रियाल, देख लें 2500 रियाल से 2200 रियाल में लगाया गया, 300 रियाल के इसके ऊपर भी डिस्काउंट है। 11T प्रो 256GB 8GB रैम के साथ ठीक है, ये Xiaomi वालों की 11 सीरीज थी, 11T सीरीज बोल रहे हैं, तो जो उससे मैंने आपको अपडेट कर दिया है। मज़ीद आपने किसी और के मतलब देखनी हो वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।